छतरपुर जिले की राजनीति में और आम लोगों के बीच अभी चर्चा का विषय बन चुका है कि कौन है गौतम जी। आम जनता कुछ भी कहे पर एक एक कार्यकर्ता से वो परिचित है और आप देखेंगे उनकी कार्यशैली से वो निश्चित रूप से अभी तक के जिलाध्यक्षों में हमारे अलग अलग जिलाध्यक्षों ने काम किया और इनके हमारे चंद्रमान गौतम जी भाई साहब के अनुभव का लाभ जिले को मिलेगा और जन जन तक उनकी पहचान और पहुँच पहुँचने वाली है। नमस्कार, पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के छत्रसाल चौराहे पर, जहां पर तमाम भाजपा कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं। खुशियां इसलिए मना रहे हैं कि भाजपा जो जिला छतरपुर में जो जिला अध्यक्ष के तौर पर जो कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि नए जिलाध्यक्ष बनाए जाने हैं, उसका आज ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश के चार जिलों के साथ साथ छतरपुर जिले में भी एक नए जिला अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है चंद्रभान सिंह गौतम जी। चंद्रभान सिंह गौतम जी कौन है, जैसे ही इसकी घोषणा हुई उसके बाद से तमाम लोगों के बीच में एक राय बन चुकी है और तमाम प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं कि चंद्रभान सिंह गौतम जी हैं कौन। हमारे साथ आज छतरपुर जिले के तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि कौन है चंद्रभान सिंह गौतम जी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय पटेरे जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है छतरपुर जिले को, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज बड़ा हर्ष का दिवस है, हमारे जिले को, जिले के संगठन को एक नया नेतृत्व मिला है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संगठन मंत्री, जो कि काफ़ी लंबे समय तक संगठन मंत्री के दायित्व को पूर्ण करके हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य वर्तमान में हैं, श्री गौतम जी भाई साहब को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। चंद्रभान सिंह गौतम जी भाई साहब भारीगढ़ के वो निवासी हैं और बहुत लंबे समय से, लगभग आप ये मान के चलिए कि 25-30 साल से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्णकालिक के रूप में भी उनने काम किया और सक्रिय राजनीतिक नेता के रूप में भी वो काम करते चले आ रहे हैं। और आज एक, आप ये मानिए कि अंत्योदय को जो भारतीय जनता पार्टी कहती है बार बार कि हम सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हमारे चंद्रभान गौतम जी भाई साहब जो वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, उन्हें जिलाध्यक्ष छतरपुर के पद का दायित्व आज मिला है। हम सभी कार्यकर्ता इसी पल को खुशी मनाने की दृष्टि से आज छत्रसाल चौराहे पर इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों ने पटाखे फोड़कर, आपस में मिठाइयाँ बांटकर और ढोल नगाड़ों के साथ उनको बधाई देने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव के पहले छतरपुर जिले को एक नया अध्यक्ष मिला है, क्या रणनीति रहेगी? निश्चित रूप से चूँकि चंद्रभान जी भाई साहब का लंबा अनुभव है संगठन के कार्यकर्ता के रूप में और उन्हें चूंकि पूर्णकालिक काम किया, संगठन मंत्री के रूप में काम किया है और जिले के समस्त नेताओं से उनका बड़ा अच्छा सामंजस्य है और सबसे बहुत अच्छी तरह से परिचित है नीचे तक, चूंकि उनने काम किया है और अभी प्रदेश कार्य समिति सदस्य छतरपुर जिले ही से हैं वो, तो उनके अनुभव का लाभ लोकसभा चुनाव में, चूँकि वैसे भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की बड़ी लहर है और छतरपुर में भी हमारे 6 में से 5 विधायक हैं, हमारे यहाँ पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी गुड्डू भैया, अर्चना गुड्डू सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता भी हैं जो लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। और आप ये मान के चलिए कि हमारे जो नेता हैं छतरपुर जिले के, वो उनके साथ माननीय गौतम जी भाई साहब के साथ मिलकर, और आप देखिए 3 लोकसभा सीटें जो यहाँ लगती हैं इनको तीनों पर विजय श्री अभी भी हमारे तीनों जगह सांसद हैं और आगे भी रहने वाले हैं। प्रदेश में हम 29 से 29 सीटें जीतने वाले हैं। छतरपुर जिले की राजनीति में और आम लोगों के बीच अभी चर्चा का विषय बन चुका है कि कौन है गौतम जी। मैं आपको बता रहा हूँ, चंद्रभान सिंह गौतम जी ने लगभग 10-12 साल पूर्णकालिक के रूप में संगठन मंत्री देवास विभाग में लंबा समय काम किया, इसलिए कुछ समय के लिए निश्चित वो छतरपुर से बाहर रहे, लेकिन पिछले 10 साल से वो लगातार छतरपुर में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के, और वो बारीगढ़ में, चूंकि बारीगढ़ छतरपुर से थोड़ा दूर पड़ता है तो आम जनता कुछ भी कहे पर एक एक कार्यकर्ता से वो परिचित हैं और आप देखेंगे उनकी कार्यशैली से वो निश्चित रूप से अभी तक के जिलाध्यक्षों में हमारे अलग अलग जिलाध्यक्षों ने काम किया और इनके हमारे चंद्रभान गौतम जी भाई साहब के अनुभव का लाभ जिले को मिलेगा और जन जन तक उनकी पहचान और पहुँच पहुँचने वाली है। हमारे साथ छतरपुर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के छोटे भाई लकी भैया भी हैं, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं माननीय चंद्रभान सिंह गौतम जी, उनको बधाई देने के लिए, वो जिलाध्यक्ष बने हैं और ये बहुत ही हर्ष का विषय है। लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी ने उनको कमान सौंपी है और इससे पहले भी जो जिलाध्यक्ष थे मलखान सिंह जी, उनने भी बहुत शानदार तरीके से अच्छा कार्य किया और अब चंद्रभान सिंह गौतम जी को कमान दी गई है। तो जैसा आप अभी प्रश्न पूछ रहे थे, चंद्रभान सिंह गौतम जी वो संगठन में उन्होंने काम किया, संगठन मंत्री की जैसे दायित्व को वो निभा चुके हैं और काफ़ी साल उन्होंने संगठन को दिए हैं। पिछले कई वर्षों से वो छतरपुर वापस आके और छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सेवाएँ दे रहे थे और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व, समझदार
एक लोकसभा चुनाव को नियंत्रित करने के लिए जैसे व्यक्तित्व की जरूरत थी वैसा व्यक्तित्व वो है, और निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ लोकसभा चुनाव में होने वाला है क्योंकि संगठन के स्तर का कोई व्यक्ति यहाँ पर जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उनको जिलाध्यक्ष बनाए जाने के लिए हम सभी कार्यकर्तागण, हमारे बड़े भाई माननीय गुड्डू भैया और अर्चना भाभी की तरफ से, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय बी डी शर्मा जी, उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा जी, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं देते हैं। हमारे क्षेत्र के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। हमारे मुकेश जी भाई साहब, मुकेश चतुर्वेदी जी जो इस संभाग के प्रभारी हैं और उनके मार्गदर्शन में यहाँ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। समस्त हमारे पुराने जिलाध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, उनने बहुत अच्छे तरीके से अपना कार्यकाल पूरा किया है, और समस्त हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं उन सभी को हम बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। तो ये थे छतरपुर जिले के तमाम भाजपा कार्यकर्ता जो छतरपुर जिले के छत्रसाल चौराहे पर छतरपुर जिले के नए अध्यक्ष जो मिला है उसकी खुशी मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे थे। आप देख रहे थे पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार, आपके साथ आयुष शुक्ला, नमस्कार।